state the equation of a सिंपल वेव. एक सिंपल वेव का इक्वेशन लिखना है आपको. तो एज वी हैव स्टडीड इन रिवीजन ऑफ 11th क्लास दैट अ सिंपल वेव इज जस्ट शोन बाय वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वेयर आपके पास में जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, ए इज द एम्पलीट्यूड, देन ओमेगा इज 2 पाई एन और 2 पाई बाय कैपिटल टी इज कॉल्ड एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज टाइम पीरियड, दिस एन इज फ्रीक्वेंसी, और जो आपको वाई मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. ठीक है, अब आपने सेकेंड लिखा, राइट न्यू क्वेश्चन. स्टेट द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. तो इसके इक्वेशन में आपके पास आता है अगेन वाई इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस डेल, वेयर अगेन द मीनिंग्स आर सेम. वाई इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, ए इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, स्मॉल टी इज द इंस्टेंटेनियस टाइम, और जो डेल है आपके पास में वो उस समय फेज की वैल्यू है. तो आपके पास एक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आया था, दिस वाज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू द पाथ डिफरेंस. सो वी कैन पुट फॉर दिस डेल इक्वल्स टू, डेल के प्लेस पर आप पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू. सो दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, ये आपने डेल की वैल्यू पुट कर दी. ठीक है, अब डिफरेंट फॉर्म्स निकाल सकते हैं आप. सो दिस इज फर्स्ट फॉर्म, दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. तो क्वेश्चन में एक और पॉइंट लिख लेंगे, डिराइव इट इन वेरियस फॉर्म्स. ठीक है, कि आपको इसी इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में डिराइव करना है. तो अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस पुट करेंगे. सो नाउ आई एम टेकिंग फॉर नेक्स्ट एक्सप्रेशन ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, एंड जो आपके पास 2 पाई बाय लैम्डा है दैट इज कॉल्ड एज प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबॉल के. तो नेक्स्ट आंसर आएगा आपके पास वाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा को पुट कर दिया हमने के, सो दिस इज थर्ड फॉर्म, वाई इक्वल टू ए साइन विद इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स. यू मे राइट नेक्स्ट फॉर्म एज, फिर हम पुट कर रहे हैं, पुट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन एंड के इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेव लेंथ. सो वी आर गेटिंग नेक्स्ट फॉर्म एज वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा, ये मेन फॉर्म था आपके पास. सो पुटिंग ओमेगा एज 2 पाई एन इंटू टी माइनस के प्लेस पर 2 पाई बाय लैम्डा, बिकॉज के इज द प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट
into x. Now check it. We may take 2 pi common क्योंकि 2 pi फर्स्ट टर्म में भी है और 2 pi आपके पास सेकेंड टर्म में भी है. सो दिस इज ये हो गया फोर्थ फॉर्म. नाउ y इक्वल टू a साइन 2 pi इज कॉमन. सो इनसाइड द ब्रैकेट एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा वेयर एन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल. इक्वेशन नंबर 5. देन पुटिंग एन इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड वी आर गेटिंग न्यू फॉर्म वाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. ठीक है, ये आपके पास में हो गए अभी तक फिलहाल इक्वेशन नंबर 6 तक. अब आप ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसको रीराइट करेंगे. सो रीराइट इक्वेशन नंबर 5. सो व्हाट इज दैट? वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा. अब आप इस n को कॉमन ले लेंगे. सो बिकॉज n इज नॉट प्रेजेंट इन द सेकेंड टर्म, तो जब आप इस n को कॉमन लेंगे तो आ गया y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई n विद इन ब्रैकेट t माइनस x अपॉन n लैम्डा. नाउ एज वी नो दैट n लैम्डा इक्वल्स टू v होता है वेयर v इज द वेव वेलोसिटी. तो आपके पास आ जाएगा वाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन को आप पुट कर सकते हैं. 2 पाई एन मे बी पुट एज ओमेगा विद इन ब्रैकेट टी माइनस एक्स अपॉन बी. तो ये अब आपके पास न्यू फॉर्मूला आ गया. तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 7 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8. So all these equations 1 to 8 describe the wave which is, ठीक है, कौन सी वेव है ये, which is traveling along positive x axis. मतलब ये वेव कैसे जा रही है, इस तरह से जा रही है ऐसे. मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये इसका डायरेक्शन है बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, बट अगर आपको एक ऐसी वेव मिले, सो राइट स्पेशल केस, इफ द वेव ट्रेवल्स अलोंग negative direction of x-axis, then जो आपके पास बीच में माइनस साइन आ रहा था, replace जो माइनस साइन आ रहा था आपके पास उसको आप प्लस साइन से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, उसको आप प्लस साइन से रिप्लेस कर देंगे. तो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं या इक्वेशंस 1 to 8 जो थे, सबसे पहला था वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जो मेन इक्वेशन है हमारे पास, माइनस ऑफ के एक्स. तो नाउ बिकॉज द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये जो आपके पास में x की वैल्यू है इसके प्लेस पर आप माइनस x कोऑर्डिनेट डाल देंगे. सो वी आर गेटिंग a साइन ओमेगा टी माइनस के इनटू, रिमेंबर दिस, इनटू माइनस x. सो माइनस इनटू माइनस विल बी प्लस. सो वी आर गेटिंग द आंसर एज a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स.
तो ये हो गया आपके पास मेन इक्वेशन, ठीक है, वेव का। तो अगर वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है तो ब्रैकेट में बीच में माइनस आएगा, एंड इफ द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो यहाँ बीच में प्लस आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बीच में एक्सिस के अपोजिट साइन आएगा। तो वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर रिमेम्बरेंस, इफ द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आपके पास जो मेन इक्वेशन आएगा कि बीच में माइनस साइन आना चाहिए, एंड इफ द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन देन वाई इक्वल टू ए साइन, तो बीच में प्लस आ जाएगा। नाउ राइट न्यू क्वेश्चन, प्रूव दैट वेव वेलोसिटी जिसका आप फॉर्मूला साउंड वेव्स में रिवाइज कर चुके हैं, एन लैम्डा इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ ओमेगा एंड के, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड के इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 2 पाई एन और 2 पाई बाय टी, बट द वैल्यू ऑफ ओमेगा और एक्सप्रेशन इज 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, दैट इज द वेवलेंथ। तो सबसे पहले आप वेव वेलोसिटी का जो बिल्कुल मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वी इक्वल्स टू एन लैम्डा लिखा आपने, स्पेसिफाई किया व्हाट इज एन, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल ने 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस किए। लैम्डा इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स विच आर इन द सेम फेज। तो कैसा डिस्टेंस होता है ये, शॉर्टेस्ट, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आपको वी को निकालना है ओमेगा एंड के फॉर्म में, तो आप जो एन और लैम्डा हैं उनके सूटेबल फॉर्मूले लिख लेंगे। तो आपने लिखा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, एंड आपने के का फॉर्मूला लिखा 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो हमने वैल्यूज निकाली, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन फॉर्मूले से हमने एन फाइंड कर लिया, तो एन इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, एंड फ्रॉम हियर वी फाइंड लैम्डा, दिस इज 2 पाई डिवाइडेड बाय के। ये पार्ट देखो आपको डायरेक्टली 12th क्लास में गिवन नहीं है, स्टिल दिस इज इन ऑल द एग्जाम्स बिकॉज दिस पार्ट वॉज स्लाइटली डिस्कस्ड इन 11th क्लास, तो इसके न्यूमेरिकल्स मेन रहेंगे हमारे लिए। तो अब जैसे ही मैंने पुट किया एन की वैल्यू, पुट की ओमेगा अपॉन 2 पाई और लैम्डा की वैल्यू 2 पाई डिवाइडेड बाय के, 2 पाई 2 पाई कैंसिल एंड वी गेट अ वेरी शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर वेव वेलोसिटी। सो दिस इज ओमेगा डिवाइडेड बाय के, और इसका जो मेन फॉर्मूला है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट इज एन लैम्डा। टू फॉर्मूले फॉर वेव वेलोसिटी, एस ये ध्यान रखना है ये वेव की चलने की वेलोसिटी है। सो द बेसिक फॉर्म फॉर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक फॉर्मूला आपने लिखा था एन लैम्डा एंड दूसरा फॉर्मूला लिखा ओमेगा अपॉन के। ओमेगा के आप डिफरेंट फॉर्म्स लिख सकते हैं, के डिफरेंट फॉर्म्स लिख सकते हैं, रिसाइकल हो जाएगा ये फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है आपके पास पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। जैसे देखो आपको दोनों के बीच में पहले मैं डिफरेंस बताती हूँ, ये एक वेव है, सपोज ये जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और दिस इज वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब मैंने यहां पर बनाई एक साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल का मीनिंग होता है कि साइन कर्व बना रही है ऐसे, राइट। अब एक्चुअल क्या था, ये जो आपको
ये जो मोशन मिला है, जैसा ईसीजी में मिलता है, वो एक्चुअल कौन से पार्टिकल्स ने दिया है? ये जो एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड है, तो मान लो आपने ये जो एक्स एक्सिस है, इसको आपने एक स्ट्रिंग या फिर एक रोप मान लिया, और यहाँ आपका हाथ है कि आपने ये स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके रखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रेच किया हुआ, और एकदम से आपने जर्क दिया, तो मान लो आपने नीचे की तरफ जर्क दिया, तो इस टाइप की वेव बन गई, तो यहाँ का जो पार्टिकल था वो इतना डिस्प्लेस हुआ। चेक दिस, दिस इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये जो पाई बाय टू था जिसका फेस, उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ, तो उसने आपको क्रेस्ट दे दिया, और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एम्पलीट्यूड के बराबर, तो आप इतने डिस्टेंस को बोल देंगे इंस्टेंटेनियस वाई है ये, और जो आपके पास एक्स है वो कौन सा डिस्टेंस है? चेक करूं, यहां तक का डिस्टेंस है आपके पास इस पार्टिकल का एक्स एक्स, और ये जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम बन चुका है उसको हम बोल रहे हैं वाई। अब सपोज मैं ये वाला एक पार्टिकल ले लूं कि इसके डिस्प्लेसमेंट्स क्या क्या हैं, तो आप इसके डिस्प्लेसमेंट, सपोज आई एम टेकिंग द पार्टिकल मेंशन्ड बाय पी, तो आप इसके डिस्प्लेसमेंट बेटा कैसे दिखाएंगे? चेक करूं, सबसे पहले आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे पूरी ये एक लाइन, तो इतने डिस्टेंस को आपने बोल दिया एक्स, और इसको ऐसे परपेंडिकुलर प्लॉट किया आपने, और ये वाला जो डिस्टेंस आया उसको आपने बोल दिया वाई, तो ये वेव वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस इक्वेशन में वाई एंड एक्स मीन्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस, उसको ये हर बार डिफाइन करता जाएगा ये डायग्राम। अब सपोज मैंने एक और पार्टिकल ले लिया, सपोज आई एम टेकिंग दिस पार्टिकल, तो इसमें आपने यहाँ तक का जो डिस्टेंस था उसको बोल दिया एक्स, ठीक है, इतने डिस्टेंस को, एंड ये जो आपके पास आया इसको आपने बोल दिया वाई, तो ये दोनों इन कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेंगे और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास पार्टिकल कौन सा है? ये जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, ग्रीन कलर से या फिर येलो कलर से, दीज आर द पार्टिकल्स। तो ये अगर हम डिफरेंट पार्टिकल्स को शो करें, रोप के डिफरेंट पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है, तो उसका फॉर्मूला आप लिखेंगे वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर पार्टिकल वेलोसिटी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चन में कौन सी वेलोसिटी बोली हुई है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी वेरी पिक्योलियर कि कहीं भी कोई भी डाउट ना रह जाए। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले हम न्यूमेरिकल, राइट। द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज y इक्वल टू 0.5 साइन 314t माइनस 1.57x, वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर, t इज इन सेकेंड। यू हैव टू कैलकुलेट एम्पलीट्यूड, फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी सेकेंड क्वेश्चन है, टाइम पीरियड थर्ड क्वेश्चन है, वेव लेंथ फोर्थ क्वेश्चन है, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको वर्डिंग्स दिए हैं वेलोसिटी ऑफ द वेव। इट मींस वी इक्वल टू एन लैम्डा और ओमेगा अपॉन के। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हैं बिकॉज वेव वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के एग्जैक्टली नीचे बोर्ड के मॉडल आंसर में ऐसे लिखेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द आइडियल इक्वेशन ऑफ एस एच पी, मतलब सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव एज
बिल्कुल नीचे नीचे लिखेंगे, ऐसे लिख दिया। अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं कि ये कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, गिव मी आंसर इन चैट बॉक्स, कौन से डायरेक्शन में ये वेव ट्रेवल कर रही है, आप इस साइन को देखकर आंसर दो। माइनस साइन है तो इट इज ट्रेवलिंग इन विच डायरेक्शन, वेरी गुड, दिस इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब आपने कंपेयर किया, ये मिल गया आपको एम्पलीट्यूड, सिंस एक्स एंड वाई वेयर इन सेंटीमीटर, सो आंसर फॉर एम्पलीट्यूड इज 0.5 सेंटीमीटर, यूनिट्स का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। सेकेंड पूछा है आपको फ्रीक्वेंसी, इसको कंपेयर करेंगे आप, एस ओमेगा इक्वल टू 314, यूनिट आती है थीटा बाय टी से रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला डाला 2 पाई n इज इक्वल टू 314, तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया 314 अपॉन पाई की वैल्यू डाली 3.14, कैंसिल हो गया, 100/2 का आंसर आ गया 50, ऐसा यूनिट इज हर्ट्स, तो इसका आंसर आया 50 हर्ट्स। टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज 1/50, सो आंसर विल बी 0.02 सेकेंड्स। नेक्स्ट निकालना है आपको लैम्डा, वेवलेंथ निकालने के लिए आप के को चेक कर लेंगे, दिस इज के, सो यू मे टेक के इक्वल्स टू 1.57 इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, सो व्हाट इज लैम्डा इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 1.57, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई, कैंसल्ड, ये आ गया आपके पास 2। अब जो आंसर फॉर लैम्डा आएगा आपके पास वो भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, सो दिस इज लैम्डा इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको फाइंड करनी है वेव वेलोसिटी, तो बिल्कुल शॉर्टकट जो मैजिकल फॉर्मूला है वो आप लगा लेंगे, तो आपके पास वेव वेलोसिटी का जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन के, सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट, पहले हेडिंग डाल देना दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव ओमेगा अपॉन के, ओमेगा है 314, के है 1.57, 314, 1.57, पॉइंट रिमूव कर दिया, ऊपर आ गया 100, ये आ गया आपके पास 2, सो वेलोसिटी विल बी 200 ऑल ओवर, वी आर यूजिंग द सीजीएस यूनिट, सो दिस इज द आंसर फॉर वेव वेलोसिटी, मतलब हम जो भी वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अगर हम डीपली चेक करें तो वो वेव 1 सेकेंड में कितने मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 2 मीटर का। तो ये आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन हो सकता है कि 4 सेकेंड में वो वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप यूनिटरी मेथड लगा देंगे, 1 सेकेंड में 2 मीटर, तो 4 सेकेंड में कितना कवर किया, 8 मीटर। सो दीज टाइप ऑफ बेसिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। राइट, न्यू क्वेश्चन इज, एक रिवर्स क्वेश्चन ले रही हूं मैं, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अब बेटा ध्यान रखेंगे यहाँ डायरेक्शन का, ठीक है, जो भी डायरेक्शन है उसका अपोजिट साइन लेते हैं आप, एंड हैविंग एम्पलीट्यूड ऑफ 0.02 मीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ 550 हर्ट्ज, एंड अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी चूजिंग द गिवन डेटा,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस ने बताया कि बीच में जो आप साइन लेंगे वो माइनस लेंगे. एम्पलीट्यूड गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एन भी ले सकते थे हम सिंबल, और ये आपको विदाउट मेंशनिंग गिवन है. सो दिस इज द वेव वेलोसिटी. तो आप सूटेबल फॉर्म्स यूज कर लो. वेव इक्वेशन के आपके पास 8 इक्वेशंस थे विच वी हैव डिराइव्ड टुडे. तो इसमें से आप एक ऐसा इक्वेशन चूज करेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी आ रही हो. तो सबसे पहले अगर याद नहीं है तो आप बेसिक इक्वेशन लिख लो, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. क्योंकि ऐसे नहीं करना कि चले 8 8 इक्वेशंस याद करने, नेवर, बी लॉजिकल. जस्ट लर्न दिस इक्वेशन विच इज द बॉस ऑफ ऑल द इक्वेशंस. ये आपको इंस्टेंट रेफरेंस देता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग. तो हम यहाँ पर ओमेगा को कन्वर्ट करेंगे. ये देखो, हम यहाँ पर ओमेगा को कन्वर्ट करेंगे और के आपको गिवन नहीं है, तो आप कैसे लिखेंगे? वी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी आता है ओमेगा अपॉन के. तो आपके पास में के का आंसर आ सकता है ओमेगा डिवाइडेड बाय वी. तो ओमेगा डिवाइडेड बाय वी, हाँ सॉरी, दिस इज वी, दिस इज वी. तो आपने इसको पुट किया प्रॉपर वे में, तो इक्वेशन आएगा वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा के प्लेस पर आप पुट कर सकते हैं 2 पाई एफ टी माइनस के प्लेस पर पुट कर सकते हैं ओमेगा अपॉन वी इनटू एक्स. पुटिंग वैल्यूज, ए की वैल्यू 0.02 2 पाई, एफ की वैल्यू 550. इक्वेशन है तो टी विल रिमेन एज इट इज माइनस फिर से ओमेगा के प्लेस पर 2 पाई एफ. तो आप इसका कैलकुलेशन करके देख लो, दिस इज 1100 पाई डिवाइडेड बाय, स्पीड है यहाँ पर 330, पुट कर दिया इनटू एक्स. ठीक है, अब ये इक्वेशन है, मींस इक्वेशन शुड हैव सम वेरिएबल्स. तो आपके पास पूरा प्रॉपर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा वो हम फाइनल आंसर लिख देंगे. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन विल बी इक्वेशन ऑफ वेव विल बी वाई इक्वल टू 0.02, यहाँ साइन आएगा. ठीक है, दिस इज साइन, और बाकी जो पूरा फॉर्म है वो आप कंप्लीट करके लिख देंगे आफ्टर कैंसिलिंग डेटा. तो कैंसिलेशन कैसे होगा वो देखो, ये आपके पास पाई एक्स वाले एक्सप्रेशन में 0 0 कैंसिल, दिस इज 11 3 जा, तो यहाँ बचेगा 10. तो इक्वेशन आ जाएगा 1100 पाई टी माइनस दिस इज 10 पाई एक्स डिवाइडेड बाय 3. अब इसमें से और चेक कर लो व्हाट कैन बी कॉमन. तो 10 यहाँ से आप फिर से कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं. सो व्हाट मे बी द अदर फॉर्म, बिकॉज कैसे है कॉम्पिटेटिव में आपको ऑप्शन में कौन सा फॉर्म गिवन है आप उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आंसर भी लाएंगे और इक्वेशन भी. तो इक्वेशंस आपको बार बार बोल रही हूँ मैं, डोंट लर्न द इक्वेशन, जस्ट नोट डाउन द बॉस फॉर्म. तो वाई इज इक्वल टू 0.02 साइन, बाहर आ गया 10 पाई, इन साइड द ब्रैकेट 110 टी माइनस 10 पाई कॉमन आ चुका है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स बाय 3 वेयर वाई विल बी इन मीटर. ठीक है, नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. अ हार्मोनिक ऑसिलेशन
is given by y equal to 0.04 sine 10 t plus pi by 6. अब इसमें देखो आप x का कोई टर्म नहीं है, where y is in meter, t is in second, calculate amplitude, frequency, angular frequency means omega, time period and initial phase. This we have already studied in the chapter SHM. Simple harmonic motion में पढ़ चुके हैं आप. और as the question says that this is a harmonic oscillator, तो obviously simple harmonic की equation को follow करेगा, जो कि होता है y is equal to a sin omega t plus alpha, जिसमें से हम alpha को बोलते थे initial phase. Alternate name was phase constant, लिखते जाएंगे सारे names. और आप इसको बोलते थे epoch, और इसको बोलते हैं आप starting phase. ठीक है, तो आप compare करेंगे. सबसे पहले given equation लिख दिया 0.04 sin 10 t plus pi by 6. Standard equation a sin omega t प्लस अल्फा, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन. कंपेयर कर लो वैल्यूज. सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड इक्वल टू 0.04, वाई मीटर में है तो एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो इन मीटर, फर्स्ट आंसर आ गया. सेकेंड आंसर फ्रीक्वेंसी एफ अभी छोड़ रही हूँ मैं. थर्ड आंसर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करो, 10 है ये देखो, पूरा 10 है ये, 10 है तो यूनिट आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड. अब इसको कंप्लीट करेंगे, सिंस ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, पुटिंग वैल्यू दिस इज 5 अपॉन पाई, एसआई यूनिट विल बी हर्ट्ज. सो फोर्थ क्वेश्चन, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो इट विल बी पाई डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, मतलब वन वाइब्रेशन का टाइम. और फेस कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट कंपैरिजन से मिल जाती है कि फेस कांस्टेंट और इनिशियल फेस पाई बाय 6 एंड द यूनिट इज इन रेडियन एंड इन डिग्री इट इज 30 डिग्री. ठीक है, राइट. न्यू क्वेश्चन, न्यू न्यूमेरिकल. The equation of बेटा लिखेंगे थोड़ा फास्ट, ठीक है. प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू 20 साइन 200 पाई t माइनस x डिवाइडेड बाय 320. Now, given y and x are in meter, time is in second. क्योंकि कई बार आपको time मिली second में given होता है, so don't take it lightly. Convert that in second. So 1 millisecond is 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड, एंड अगर माइक्रो में गिवन होगा तो 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा. ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको क्या क्या फाइंड करना है इसमें, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, फोर्थ वेवलेंथ एंड फिफ्थ है आपके पास वेलोसिटी ऑफ वेव. So this is for do it yourself. What is the equation given to you? 20 sin 200 pi t minus x upon 320. अब आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं, उस इक्वेशन को मैंने लिख लिया साथ में, जस्ट नीचे लिखूंगी मैं y is equal to a sin
ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो चेक करो, जो टी का मल्टीपल है वो ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा से आपको एक रिलेशन मिलता है 2 पाई एफ, दूसरा रिलेशन मिलता है 2 पाई बाय टी। जो एक्स का मल्टीपल होगा वो के हो जाएगा, तो के का रिलेशनशिप आता है 2 पाई बाय लैम्डा, या फिर ओमेगा डिवाइडेड बाय वी, ये भी आता है, बिकॉज वी इज इक्वल टू आता है आपके पास ओमेगा अपॉन के। तो यहाँ से आपको के क्या मिलेगा, ओमेगा अपॉन वी। ठीक है, अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, तो सेम ऐसे फॉर्म में लेते हैं हम। तो ये जो 200 पाई है उसको हम दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज साइन 200 पाई टी माइनस 200 पाई एक्स डिवाइडेड बाय 320। कैंसिलेशन करो पहले, व्हाट कैन बी कैंसिल्ड, यहाँ 0 0, दिस इज 4 5 जा एंड दिस इज 4 8 जा। तो आपके पास इक्वेशन आ गया वाई इक्वल टू 20 साइन 200 पाई टी माइनस 5 पाई एक्स डिवाइडेड बाय 8। अब इसमें से आप डेटा निकाल लो, जो भी टी का मल्टीपल है वो पूरा ओमेगा हो गया, और जो भी एक्स का मल्टीपल है वो पूरा के हो गया। कंपेयर कर लो ऐसे। नाउ फर्स्ट एम्पलीट्यूड तो इजी है, सबने निकाल लिया है, दिस इज 20 मीटर। सेकेंड चेक करो ओमेगा कितना है, 200 पाई, पुट किया 2 पाई एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में कंसर्न है आपको 200 पाई, पाई पाई कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया आपके पास 100 हर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है थर्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए आप ले लेंगे के का फॉर्मूला, 2 पाई बाय लैम्डा, वैल्यू ऑफ के इज 5 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8, दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा, पाई पाई कैंसिल, तो लैम्डा क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो, 16/5 आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.2, यूनिट विल बी मीटर, क्योंकि गिवन था कि वाई एंड एक्स आर इन मीटर। नेक्स्ट फाइंड करना है आपको वेलोसिटी ऑफ वेव। तो फिलहाल यहाँ पर क्या इजी है हमारे लिए, एफ लैम्डा, एफ आ चुका है 100, लैम्डा आ चुका है 3.2, आंसर आ गया 320 SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन अगेन फॉर डू इट योर सेल्फ, राइट। The equation of a transverse wave moving along x-axis is represented by y equal to 15 sine pi 0.01 x माइनस 2t, वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये ध्यान रखना आपको यहाँ सेंटीमीटर गिवन है एंड t इज इन सेकेंड। मिली माइक्रो होता तो चेंज हो गया होता सब। कैलकुलेट डेटा आर, एम्पलीट्यूड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड भी निकालना है, वेवलेंथ निकालना है एंड वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना है, और यहाँ एक और एडिशनल दे रही हूँ मैं आपको, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो दीज सिक्स आर टू बी कैलकुलेटेड फास्ट। चेक द सॉल्यूशन, वाई इक्वल टू 15 साइन
पाई वॉज कॉमन 0.01x-2t. तो सबसे पहले आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ. व्हाट वॉज द स्टैंडर्ड बॉस फॉर्म? वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. बट यहाँ ये कैसे फॉर्म में गिवन है? वाई इक्वल टू ए साइन. ऐसा भी फॉर्म आपको अल्टरनेट होकर मिल सकता है. मतलब इसका मीनिंग बताती हूँ मैं. व्हाट इज इट्स मीनिंग? ठीक है, देखो इसका मीनिंग क्या है कि आपने ये जो मेन इक्वेशन था उसमें से सपोज आपने माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है. और साइन जो है, साइन थीटा, दैट इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन. तो ये आपके पास में जो साइन ऑफ माइनस थीटा का आंसर आएगा वो माइनस ऑफ साइन थीटा आएगा. तो यहाँ माइनस साइन कॉमन था तो दैट माइनस विल बी एडजस्टेड हियर. तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाता है? वाई इज इक्वल टू ए साइन, पाई को आप अंदर ले लेंगे दोनों के साथ, सो दिस इज 0.01 पाई एक्स माइनस 2 पाई टी. अब कंपेयर करो आप इसको इस इक्वेशन से. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, के इक्वल टू आया 0.01 पाई. दोनों तरफ के मीन्स एक्स का मल्टीपल है और 2 पाई, चेक करो, 2 पाई इक्वल टू आया आपके पास में ओमेगा, क्योंकि टी का मल्टीपल ओमेगा है. ठीक है, अब आपको क्या क्या निकालना है वो फाइंड कर लेंगे आप. ए की वैल्यू 15 है बिकॉज वाई वॉज इन सेंटीमीटर, सो आंसर फॉर ए इज 15 सेंटीमीटर. नेक्स्ट चेक करो, सेकेंड आंसर फाइंड करना था आपको फ्रीक्वेंसी का. तो इससे मिलता है फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ इक्वल टू 2 पाई, कैंसिल, सो एफ इक्वल टू 1 हर्ट्स. देन टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो 1/1, बट द यूनिट इज इन सेकेंड. देन द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू दिस इज 0.01 पाई. तो पाई पाई कैंसिल, सो लैम्डा इज 2 डिवाइडेड बाय 0.01. तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए आप ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 200 एंड द यूनिट विल बी सेंटीमीटर. नेक्स्ट आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द वेव. तो वेलोसिटी के लिए हम बेसिक फॉर्मूला ले लेते हैं, वी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के और एन लैम्डा. तो मैंने फॉर्मूला लिखा वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के. जो भी टी का मल्टीपल है वो ओमेगा है, सो दिस इज 2. जो भी एक्स का मल्टीपल है वो के है, सो दिस इज 0.01. फिर से कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव किया, सो दिस इज 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नाउ चेक द डिफरेंस. आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन. आपको बताया हुआ था वाओ करके याद रखेंगे. सो व्हाट इज ए, व्हाट इज एम्पलीट्यूड हियर? दिस इज 15 सेंटीमीटर. सो कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर, क्योंकि अगर फिर आप ओमेगा को पुट करेंगे रेडियन पर सेकेंड में तो ये यूनिट्स मिसमैच हो जाएंगी. तो इधर यू हैव टू टेक बोथ द यूनिट्स एज एस आई और सी जी एस, डोंट मिक्स द यूनिट्स. तो ओमेगा की वैल्यू डाली आपने 2, सो 15 टू ज़ा इज ओमेगा की वैल्यू 2 पाई डाली आपने, ठीक है, 2 पाई. सो व्हाट इज दिस? दिस इज 30 पाई इंटू 10 टू द पावर -2. तो आंसर आ जाएगा आपके पास, अगर आप मीटर पर सेकंड में ही बोलना चाहते हैं तो दिस इज, ये बैलेंस करेंगे आप इसको, सो दिस आंसर विल बी 0.3 पाई
मीटर पर सेकेंड इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल। ये ध्यान से देखना, यहाँ पाई पाई भी कैंसिल हुआ था, ठीक है, तब आपके पास ये 200 आएगा, बिकॉज आई हैव कैंसिल दिस वर्चुअली, सो आई हैव नॉट रिटन इट।